हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बनाने जा रहे हैं भुनी हुई मछली। जी हाँ, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसकी सबसे खासियत वाली बात यह है कि ये स्पाइसी लगती है खाने में। तो चलो आज इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रास रहता है ना, उसके ऊपर इसको भुना जाता है। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इसको क्लीन करना ज़रूरी है, दो बार अच्छे पानी से हल्के हाथ से इसको क्लीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मछली नाजुक रहती है, हल्के हाथ से भी टूट सकती है। तो इसलिए इसको जितने हल्के हाथ से हो सके उतने हल्के हाथ से इसको क्लीन करना पड़ता है। क्लीनिंग प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें हम मसाला कौन कौन सा यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तो जनरल है, सभी यूज़ करते हैं और यूज़ करना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ देयर। अब देखिए, ये है शेंगदाने और फुटाने का कोट बारीक कर लिया है अपन ने। इसके साथ साथ इसमें धने, लवंग, इलायची, तेजपान और उसके साथ कलमी, शाहजीरा, जो खड़ा मसाला रहता है धने के साथ, मैंने उसको पूरा एक ही इकट्ठे इसमें बारीक कर दिया है। और ये है इसकी वजह से सब्जी जो है रस, जिसको ग्रेवी बोलते हैं, वो गाढ़ा आता है, गाढ़ा बनता है। तो इसको हम बोलेंगे, ये है प्याज और नारियल, सूखा हुआ नारियल, जिसको मैंने पहले भून लिया और उसके बाद इसका पेस्ट बनाया। तो चलिए हम जानते हैं प्रोसेस कि आखिरकार ये मछली कैसे बनती है और कैसे बनानी चाहिए। हमने स्टोव कर दिया है शुरू और गैस को थोड़ा बड़े फ्लेम पे रख दिया है। अब ये जैसे बर्तन गर्म हो जाएगा, ये हम इसमें डालेंगे ऑयल। हमारा मसाला भी रेडी है, हमने फिश भी पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर ली है। तो चलो अब बनाते हैं अपनी सब्जी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि किसी को ज़्यादा ऑयल में सब्ज़ी बनाना अच्छा लगता है, किसी को कम में। तो मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल ले रहा हूँ और थोड़ा मसाला ज़्यादा पकने के लिए थोड़ा और ऑयल इसमें ऐड कर रहा हूँ, ताकि मसाला एकदम से अच्छी तरीके से पक सके। सो ऑयल गर्म होते ही हम सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन इसलिए डाला जाता है सबसे पहले, ताकि लहसुन में जो एक स्मेल रहती है वो चले जाए और हम इसको भूंज के नहीं लेते। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन इसमें डालेंगे लहसुन। तो हमारा तेल हो चुका है गर्म, तो हम इसमें डाल रहे हैं अपने लहसुन। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसको अच्छे से अपने को फ्राई करना पड़ता है। जब तक कि ये इसका कलर या फिर टेक्सचर चेंज ना कर, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए कैसी भाप उठ रही है इसके ऊपर। लहसुन को जो है हमने थोड़े बड़े फ्लेम के ऊपर एक फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था और अब फ्लेम थोड़ा कम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और कोकोनट का बना हुआ मिक्सचर। हमने जो प्याज और कोकोनट का मिक्सचर बनाया था, हमने उसको इसमें डाल दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं इसमें। इसको भी थोड़ी देर हम पकने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें खड़े मसाला, यानी कि धना, जो हमने क्लीन करके रख दिया है यहाँ पे। उसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें शेंगदाने फुटाने और अपना जो मेन मिक्सचर है इसका, यानी कि हमारे जो डालने वाले हैं उसमें स्पाइसेस, वो भी बताऊंगा आपको। अब हम इसमें डालने वाले हैं धने की पूड। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों, हम अपने हिसाब से यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले यानी कि स्पाइसेस, यानी कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2 चम्मच मिर्ची लाल। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया है, 2 चम्मच मिर्ची ली है, हल्दी ली है 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक लिया है और 2 चम्मच मैंने एवरेज मटर मसाला लिया है। हाँ, हम मटर मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप ये जो क्वांटिटी है बढ़ा भी सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन इसमें स्पाइस जो है कम डालने की। क्यों? क्योंकि ये सब्जी जो है बाद में ज़्यादा स्पाइसी बन जाती है, ये इसकी एक खासियत है। तो चलो हम पूरा ऐड कर देते हैं इकट्ठा ही। हमने पूरे जो स्पाइसेस है या फिर जो मसाले कह सकते हैं,
जो डालनी चाहिए नेसेसरी, हमने इसमें पूरा इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये और अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो सके। पानी बरा बचा था यानी कि हमने लिया था, वही हम इसमें ऐड करें। इसको एक उबाल आने तक हम इसको पकने देंगे, बाद में हम इसमें डालेंगे शेंगदाने को फुटाने को जो हमने मिक्सर बनाया था वो उसमें ऐड करेंगे, ताकि सब्जी जो है वो थोड़ी गाढ़ी बनती है। थोड़ी देर होने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं अपने जो कूट बनाया था अपने शेंगदाने फुटाने का, वो थोड़ी मात्रा में ही डालना है ताकि सब्जी जो है अपने वो एकदम ज़्यादा गाढ़ी भी ना बने। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ पानी। पानी मैं अपने हिसाब से डालूँगा, मुझे ऐसा ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, तो मैं इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालूँगा। और जैसे ही पानी को उबाल आ जाएंगी थोड़ी बहुत, तब मैं इसमें ये फिश ऐड कर दूँगा। मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि बाद में मसाला जो है वो ग्रेवी गाढ़ा कर देता है, तो इसमें मैं और थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। अब इसको बड़े फ्लेम के ऊपर उसको मैं उबाल आने दूंगा। उबाल आने के बाद ज़्यादा उबाल नहीं, ये मैं फिश इसमें डाल दूंगा और बाद में एक और उबाल आने दूंगा, जिसकी वजह से ये सब्ज़ी जो हमारी पक जाएगी अच्छे से। देखते हैं आगे। तो देखिए सब्जी को अच्छी तरीके से उबाल आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, सबसे कम फ्लो जो है गैस का उसके ऊपर इसको पकाना है। पकाने का मतलब ये पहले से ही पकी हुई रहती है, लेकिन इसको ग्रेवी में थोड़े से अच्छे से मिक्स होने देना है। तो हम क्या करेंगे, गैस का फ्लो कम कर देंगे और ये जो मछली है ये इसमें डाल देंगे और 5 मिनट में सबसे कम वाला जो फ्लो है उसके ऊपर रहने देंगे। तो मैं मछली अब इसमें डालने वाला हूँ। मछली एक एक करके इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये फूटे ना, नहीं तो ये मछली जो है वो पहले से भुनी हुई रहती है तो ये फूट सकती है, टूट सकती है। मैंने पूरी मछली इसमें डाल दी है। अब बारी आती है अपनी धनिया की, सांभार जिसको हम बोलते हैं, हमने इसमें सांभार डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट ऐसे ही हो देना है और अपनी सब्जी रेडी है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये सब्जी कैसी बनी और इसको दिखाऊँगा भी एक प्लेट में निकाल के। सो वेट एंड वॉच जस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो दोस्तों अपने 5 मिनट हो चुके हैं, हमने बहुत ही कम फ्लो के ऊपर इसको पकाया है। तो चलो देखते हैं क्या हाल है इसका। जी हाँ, जैसा मैं सोचा था वैसा ही हुआ, एकदम फ्रेश कह सकते हैं हम इसको। बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक चुकी है और हम इसको कहेंगे लाजवाब फिश। अपनी फिश जो है वो खाने के लिए तैयार है और मैंने टेस्ट करके भी देखिए स्पाइसी हुआ है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सो जो लोग स्पाइसी खाते हैं ये फिश ज़रूर ट्राई करना है। इसको कहते हैं भुनी हुई फिश और मैंने आपको प्रोसेस भी बताया कि कैसे खानी चाहिए, सॉरी कैसे बनानी चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।